नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने मेरे कलेक्शन के 10 रुपये के सिक्कों के बारे में जाना। उसके बाद के वीडियोस में हमने मेरे कलेक्शन के 5 रुपये के सिक्कों के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे कलेक्शन के 1 रुपये के सिक्कों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्र भारत में अब तक 34 यानी 34 तरह के 1 रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से मेरे पास आज 31 यानी 31 तरह के सिक्के मौजूद हैं। ये 1 रुपये के सिक्के मूलतः 3 तरह के धातुओं से बनी हुई थी। पहला निकल था, दूसरा कॉपर निकल और तीसरा स्टेनलेस स्टील था। तो हमारा आज का पहला सिक्का डिसिम्बलाइजेशन के पूर्व का है। ये अब तक का सबसे भारी 1 रुपये का सिक्का है। ये निकल का बना हुआ था। ये 1950 से लेकर 1954 तक इशू की गई थी। ये वेट में 11.59 ग्राम्स का था, 27.5 mm की डायमीटर और थिकनेस 2.5 mm की थी। हमारा दूसरा सिक्का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ये 1962 यानी 1962 से लेकर 1982 यानी 1982 तक इशू की गई। ये निकल का बना हुआ था, वेट 10 ग्राम्स का और डायमीटर 28 mm का, थिकनेस इसकी 2.4 mm की थी। हमारा अगला सिक्का पहला 1 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन था। ये 1964 में इशू किया गया था। ये निकल का बना हुआ था। ये सिक्का श्री जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि को समर्पित था। ये सिक्का वेट में 10 ग्राम का था, डायमीटर 27 mm और थिकनेस 2.3 mm की थी। हमारा अगला सिक्का महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष में इशू किया गया था। ये 1969 में इशू किया गया था। ये निकल का बना हुआ था, वेट इसकी 10 ग्राम्स की थी, डायमीटर 28 mm का था, थिकनेस 2.2 mm की थी। इस सिक्के के एक साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरे साइड में अशोक स्तंभ बना हुआ था। तो ये 4 सिक्के निकल के बने हुए थे और बाकी के जो सिक्के हैं वो कॉपर निकल के बने हुए हैं। ये स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन 1983 से लेकर 1991 तक इशू की गई थी। ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 26 mm की और थिकनेस 1.5 mm की थी। हमारा अगला सिक्का इंटरनेशनल यूथ ईयर के उपलक्ष में 1985 में इशू की गई थी और ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का था। वेट में 6 ग्राम्स, 6 ग्राम और डायमीटर 26 mm की थी और थिकनेस 1.5 mm की थी। हमारा अगला सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO स्मॉल फार्मर्स को समर्पित था। ये 1987 में इशू की गई थी। कॉपर निकल का बना हुआ यह सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 26 mm की थी और थिकनेस 1.5 mm की थी। हमारा अगला सिक्का भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO को समर्पित था। ये रेन फेड फार्मिंग को समर्पित था। 1987 में ये कॉपर निकल का सिक्का इशू किया गया था। इसका वेट 6 ग्राम का था और थिकनेस 1.5 mm और डायमीटर 26 mm की थी। हमारा अगला सिक्का श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1989 यानी 1989 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 26 mm की थी और थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का वर्ल्ड फूड डे फूड एंड एनवायरनमेंट को समर्पित था। 1989 में ये इशू किया गया था। कॉपर निकल का सिक्का 6 ग्राम का वेट था और 26 mm की डायमीटर और थिकनेस थी इसकी 1.4 mm की। हमारा अगला सिक्का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1990 में इशू की गई थी। यह कॉपर निकल का सिक्का 6 ग्राम का वेट था, इसकी डायमीटर 26 mm की थी, थिकनेस 1.5 mm की थी। ये सिक्का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के 15 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1990 में इशू की गई थी। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 6 ग्राम का था,
डायमीटर 26 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। ये सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड डे को समर्पित था। ये 1990 में इशू किया गया था। ये इसी नाम का और एक सिक्का 1992 में भी इशू किया गया था। ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ था, 6 ग्राम का वेट था, डायमीटर 26 mm और थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का श्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि को समर्पित था। ये सिक्का 1991 में इशू किया गया था। ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ था, इसकी वेट 6 ग्राम की थी, डायमीटर 26 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। ये सिक्का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को समर्पित था। ये 1991 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का 6 ग्राम वेट में था और डायमीटर 26 mm की थी, थिकनेस 1.5 mm की थी। हमारा अगला सिक्का टूरिज्म ईयर को पर्यटन वर्ष को समर्पित था। ये सिक्का 1991 यानी 1991 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 26 mm की थी, थिकनेस 1.4 mm की थी। हमारा अगला सिक्का 1942 यानी 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को समर्पित था। ये 1992 से 1993 तक इशू की गई थी। ये कॉपर निकल का सिक्का 6 ग्राम का वेट था, डायमीटर 26 mm की थी और थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारा अगला सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड डे को समर्पित था। ये 1992 में इशू किया गया था और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सिक्का जो था ये 1990 में वर्ल्ड फूड डे को समर्पित था और 1992 में फिर से वर्ल्ड फूड डे को समर्पित किया गया, एक और सिक्का इशू किया गया था। ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ था और इसकी वेट 6 ग्राम की थी, डायमीटर 26.2 mm की और थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारा आज का आखिरी कॉपर निकल का सिक्का इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस को समर्पित था। ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ था। ये 1993 यानी 1993 में इशू किया गया था। इसका वेट 6 ग्राम का था, डायमीटर 26 mm की थी और थिकनेस 1.6 mm की थी। हमारे स्टेनलेस स्टील के 1 रुपये के सिक्कों में पहला सिक्का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है। ये 1992 से लेकर 2004 यानी 2004 तक इशू की गई थी। ये वेट में 4.86 ग्राम्स का था, डायमीटर इसकी 25 mm की थी, थिकनेस 1.4 mm की थी। हमारा दूसरा स्टेनलेस स्टील का सिक्का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली को समर्पित था। ये सिक्का 1994 में इशू की गई थी। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 4.86 ग्राम्स का था, डायमीटर 25 mm की और थिकनेस 1.4 mm की थी। हमारा अगला सिक्का 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस श्री थिरुवल्लुवर को समर्पित था। ये 1 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों के सेट में इशू किया गया था। ये 1995 में इशू किया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 5 ग्राम का था, डायमीटर 25 mm की और थिकनेस 1.4 mm की थी। ये 1 रुपये का सिक्का अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल को समर्पित था। ये सिक्का 1997 में इशू किया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 4.89 ग्राम्स का था और डायमीटर 25 mm की थी और इसकी थिकनेस 1.4 mm की थी। अगला सिक्का 1999 में इशू किया गया, संत ध्यानेश्वर को समर्पित था। संत ध्यानेश्वर मराठी संत थे। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 4.85 ग्राम्स का था, डायमीटर इसकी 25 mm की थी और थिकनेस 1.4 mm की थी। अगला सिक्का श्री जयप्रकाश नारायण को समर्पित था। उनको जेपी या लोकनायक भी कहा जाता था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 2002 में इशू किया गया था। वेट में 4.95 ग्राम्स का, डायमीटर 25 mm और थिकनेस 1.4 mm की थी।
अगला सिक्का महाराणा प्रताप को समर्पित था। ये सिक्का 2003 में इशू किया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 4.95 ग्राम्स का था। डायमीटर इसकी 25 mm की थी और थिकनेस 1.4 mm की थी। अगला सिक्का इंडियन पोस्टल सर्विस के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में 2004 में इशू किया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 4.95 ग्राम्स का था। डायमीटर 25 mm और थिकनेस 1.4 mm की थी। इंडियन पोस्टल सर्विस के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष में कुछ सिक्कों को जारी किया गया था और एक स्टैम्प भी जारी किया गया था। मैं जब आपको अपना स्टैम्प कलेक्शन दिखा रहा हूँ उस समय मैं आपको वो स्टैम्प दिखाऊंगा जो इस सिक्के के साथ में इशू किया गया था। अगला सिक्का स्टेनलेस स्टील का यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना गया। ये सिक्का 2004 से 2006 के बीच में इशू किया गया था। वेट में ये 4.95 ग्राम्स का था। डायमीटर 25 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। अगला सिक्का मुद्रा इशू। ये सिक्का 2007 से लेकर 2011 तक इशू की गई। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 4.8 ग्राम्स का था। डायमीटर 25 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। अगला सिक्का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्लैटिनम जुबली यानी 75 साल पूरा होने के उपलक्ष में 2010 में इशू किया गया था। ये सिक्का भी एक सेट में इशू किया गया था जिसमें 5 रुपये का कॉइन और 10 रुपये का कॉइन भी था। ये वेट में 4.95 ग्राम्स का था। डायमीटर 25 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। हमारा इस वीडियो का आखिरी सिक्का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है और ये 2011 से लेकर 2019 तक इशू किया गया। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 3.81 ग्राम्स का था। अब तक के जितने भी 1 रुपये के सिक्के थे उनमें से सबसे हल्का सिक्का था 3.81 ग्राम्स का। डायमीटर 22 mm की थी और थिकनेस 1.3 mm की थी। तो ये हैं वो 3-1 रुपए के सिक्के जो अभी तक मेरे पास मेरे कलेक्शन में नहीं मौजूद हैं। आशा करता हूँ ये भी मेरे कलेक्शन में बहुत जल्द ही मौजूद होंगे। जो आखिरी 1 रुपए का सिक्का है उसकी तस्वीर मेरे पास अभी मौजूद नहीं है। ये 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों के साथ में 2019 में इशू किया गया था। क्योंकि उस 1 रुपए के सिक्के की तस्वीर मेरे पास मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रुपए के सिक्के की तस्वीर दी है। बहुत संभवतः 2019 में इशू की गई 1 रुपए का सिक्का भी इसी डिज़ाइन का है। इस वीडियो को देखने के लिए, आपका समय प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।